ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है साधना न्यूज में। और आज अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आज हमको ये बताने जा रहे हैं, और ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं रायपुर स्टूडियो, जहां पर हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आरके गांधी जी, देखिए अखबारों की सुर्खियों के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में बेहद खास मेहमान आज रायपुर स्टूडियो में मौजूद है, छत्तीसगढ़ वॉच के संपादक रामावतार तिवारी जी। और इस अखबार की अगर बात की जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार है, और इस अखबार में तमाम कंटेंट रहते हैं, उससे उन खबरों पर भी चर्चा करेंगे। और तमाम अखबारों में अगर देख लिया जाए, चाहे नव भारत हो, चाहे भास्कर, चाहे हरिभूमि, चाहे छत्तीसगढ़ वॉच ही क्यों ना हो, इन तमाम अखबारों में अगर एक बात का गौर किया जाए कि पड़ोसी राष्ट्रों में जिस तरह से जो हलचल मची है और पड़ोसी राज्यों में जो स्थिति है, उस स्थिति को अगर समझा जाए, इमरान खान का आना, रामावतार तिवारी जी जिन्ना का पाक बनाऊंगा, भारत में बेहतर संबंध, इससे जो परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन पाकिस्तान में, उसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा? देखिए पाकिस्तान में इस बार इमरान खान क्रिकेट खिलाड़ी ने एक नया नारा दिया था कि नया पाकिस्तान वो बनाएंगे। उनके नारे के बाद 30 साल के बाद जो प्रमुख दो राजनीतिक पार्टियां थी, एक बेनजीर भुट्टो की पार्टी और दूसरी नवाज शरीफ की, दोनों पार्टियां जो 30 साल से राज कर रही थी वो धराशाही हुई, और एक नई पार्टी का उदय जो पिछले चुनाव में ही हुआ था वो एक तरह से सत्ता के करीब पहुंच गई। इस पार्टी को ये माना जाता है कि सेना, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों की तिकड़ी से बना हुआ, ये समर्थन से बना हुआ ये सरकार है। इस सरकार से एक नई उम्मीदें हैं, क्योंकि इमरान खान एक नई सोच के साथ कट्टरपंथी जो जिस तरह से पाकिस्तान में हैं उनके बीच ये निकले हुए युवा हैं जो देश और विदेश में पढ़े हैं, पूरी दुनिया में घूमे हैं और समाज को अच्छी तरह जानते हैं और रहन सहन को जानते हैं और देश में किस तरह से प्रगति की जा सकती है ये तमाम मुद्दों को जानते हैं, वो उनके हाथ में बागडोर है। तो ये समझा जाए कि इस बार जो जिस तरह से आतंकवादियों का शरण स्थली पाकिस्तान बना हुआ है, उससे उबर कर अब पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा जिसमें जनजीवन अच्छे होंगे लोगों के, जहां मारकाट के अलावा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, और एक भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ अलग हुए थे, आज भारत कहां, भारत विश्व का दूसरे तीसरे नंबर का देश है, कितना शक्तिशाली है, आज सब चीज खुद उत्पादन करता है, और जो पाकिस्तान के पास आज कुछ भी नहीं है सिर्फ हिंसा और अराजकता के अलावा, ऐसे पाकिस्तान को एक नया मुहिम के साथ खड़ा करना एक चुनौती इमरान खान के साथ होगी। और दूसरी बात यह है कि इससे ये भी अभी बहुत जल्दी होगी, मगर ये लग रहा है जिस अनुसार से कल खुद इमरान खान ने ये कहा कि मैं ज्यादातर जीवन जो है वो भारत में जिया हूं, अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज्यादा लोगों को जानता हूं बेहतर तरीके से, और मेरी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बेहतर संबंध होंगे और पाकिस्तान जो है वो रुख हर तरीके से सकारात्मक होगा, ये संकेत दिए, और कश्मीर के मामले पर वो किसी बातचीत से हल की गुंजाइश की तलाश की बात की है। तो एक तरह से जो पड़ोसी राज्य में आज हमारे जिस तरह से आतंकवाद की गतिविधियां और अशांति फैली हुई थी, वो किसी पड़ोसी के लिए, चाहे हमारे खुद के पड़ोसी हों या देश के पड़ोसी हों, वहां पर होना एक तरह से हमारे लिए चिंताजनक स्थितियां रहती है। तो शायद एक नई हवा आएगी, ऐसी उम्मीद कल के पाकिस्तान चुनाव से लग रहा है। पर इस बीच में अगर समझा जाए, खेल भावना जो होती है वो निश्चित तौर पर कई सारी दूरियों को पाटती भी है, खेल भावना और खेल से जुड़े अगर शख्सियत राजनीति में आते हैं, और इसमें एक चीज ये है कि जो राजनीति की शैली जो इमरान खान ने अपनाई, कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी से मिलती जुलती वो शैली रही इस बार के पाकिस्तान के चुनाव में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी एक नया नारा दिया, और नए नारे से जिस तरह से मोदी ने एक नया नारा दे के पिछले चुनाव में आए कि सब चीज मैं अराजकता खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, नई नई योजना लाऊंगा, कुछ इसी तर्ज में भी उन्होंने चुनाव प्रचार को अपने हाथ में लिया और उसका सफलता प्राप्त की, और बड़ी उम्मीदें अब लोगों को रहेगी ऐसे जनभावनाओं को उभार कर या ऐसे लोगों को दिलासा दिलाकर सत्ता में आना तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि राजनीति में भावनाओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, ज्यादातर राजनीति में चुनाव और मतदान जो होते हैं भावनाओं के आधार पर होते हैं, तो बड़े राजनीतिक दल योजनाबद्ध तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ
खेलकर इस तरह से मतदान में हासिल कर सत्ता प्राप्त कर लेते, परंतु उसके बाद आने वाली चुनौतियां जो होती है वो बहुत कठिन होती है। तो इस तरह से इमरान खान के पास एक चुनौती रही कि वहां पर जो अशांत पाकिस्तान है वो किस तरह से शांति स्थापित कर एक नए राज्य के तौर पर खड़ा कर पाएंगे। और अशांति की जो आपने बात कही, क्योंकि बॉर्डर पे जो अशांति एक आतंकवाद के तौर पर भी है, चाहे एक दूसरी तरफ एक अशांति की बात कर ली जाए कि डोकलाम, जिस खबर को आपने प्रथम पृष्ठ पर काफी प्रमुखता से भी रखा है, और डोकलाम के इशू का अगर समझा जाए तो डोकलाम में गुपचुप काम कर रहा है चीन, अमेरिका ने सख्त तौर पे सख्त तेवर यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए इमरान खान ने ये तो संकेत जो कल की पूरी बातचीत में दिया है कि उनका झुकाव चीन की तरफ है, और चीन ने काफी पैसा पाकिस्तान में लगाया हुआ है, तो ये एक व्यापारिक समझौते हैं, तो उसकी एक मजबूरी भी रहेगी और एक कूटनीतिक राजनीति कूटनीतिक भी नजर आ रही है जो चीन की तरफ झुकाव दिख रहे हैं, क्योंकि जितने चीन जो अपने सहारी क्षेत्र जो वहां पे बना रहा है। इस बीच में अगर बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आतंकवाद से जुझता करीब करीब सारे देश और इस पर कुछ हल हर कोई खोजना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा आंतरिक समस्या भारत का वह है नक्सलवाद, और नक्सलगढ़ में जब यहाँ पे राष्ट्रपति पहुंचे तो उन्होंने कहा कि खत्म हो रहा है नक्सलवाद, आपको क्या स्थिति नजर आती है? और साथ ही उनका एक बयान ये भी आया कि छत्तीसगढ़ के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं है। देखिए तमाम राज्यों की विकास होगा, अगर एक गांव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो एक राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए राष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है, और एक प्रशासनिक कार्यवाही को जो अभी तक हो रही है राज्य सरकार की, उसमें एक तरह से ठप्पा लगाया है कि अभी तक जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, और इसीलिए आज नक्सलवाद काफ़ी हद तक कम हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैं पहले आया हूँ बस्तर, जब ये सांसद थे, सामान्य नागरिक थे तब, और आज बस्तर जो पिछले 10 साल में प्रगति हुई काफ़ी हुई है करके, आज भारत में जब भी नक्सलवाद की चर्चा होती तो सबसे ज़्यादा जूझता हुआ बस्तर रहता है। उस बस्तर में अगर उन्होंने 2 दिन में शांति देखी तो उनके लिए जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते हैं वो ज़्यादातर नक्सलवाद को भय और वहाँ पर जाने की लोगों की परेशानियाँ ये सारी चीज़ बताते रहते हैं। तब अपने 1 साल के वर्षगांठ में उन्होंने ये संकेत दिया कि मैं सबसे जो समस्याग्रस्त कहे जाते इलाके हैं मैंने वहाँ पर अपनी 2 दिन बिताया और वहाँ देखा कि ऐसा सब कुछ नहीं है, कुछ सुधार आ रहा है, तो एक हमारे प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी एक अच्छा संदेश है, और इसके लिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसी तरह से दृढ़ता से और कार्य योजना से काम करते रहे तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होगा, और वो खासकर जो आदिवासी गरीब निर्धन अशिक्षित लोग हैं उनके प्रति सही न्याय हो पाएगा। आकांक्षा आपके पास भी कुछ सवाल होंगे जो आपने आज अखबारों को देखा समझा, किस तरह के आपके जहन में जो सवाल है जो आप रामोतात भाई से यहाँ पे पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ में अभी सबसे पहला जो चल रहा है एम्बुलेंस कर्मियों की जो हड़ताल लगातार अभी जारी है, इसके चलते कुछ मौतें भी अभी हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसके चलते काफ़ी समस्याओं का सामना जो है आमजनों को भी करना पड़ रहा है। देखिए आज जिस तरह से व्यवस्थाएँ बनी हैं उसमें एम्बुलेंस की व्यवस्था एक अनिवार्य व्यवस्था हो गई है, क्योंकि शहर में होने वाली दुर्घटनाओं में आज सबसे पहले कोई आदमी याद करता है अपने परिवार को, जिस तरह याद करता है उस तरह 108 एम्बुलेंस को याद करता है, तो इसकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की हर समय कोशिश सरकार की और प्रशासन की होनी चाहिए, क्योंकि अब जो लोग अब वो आवश्यक सेवा बन चुकी है, इस आवश्यक सेवा के लोगों के साथ किस तरह से हम व्यवहार कर सकते हैं, किस तरह से उनको संतुष्ट कर सकते हैं तभी वो सेवा में पहुंचेंगे, क्योंकि जब भी जब विपरीत परिस्थितियां होती है तभी 108 एम्बुलेंस पहुंचती है, तो उन लोग अगर सेवा भावी के साथ मन मनायोग के साथ अच्छे मनोयोग के साथ काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर कई जिंदगियां बच जाएंगी और कई लोगों को लाभ होगा, तो इसके लिए सरकार को हट धर्मता छोड़ते हुए इस पर निर्णय लेना चाहिए उदारतापूर्ण तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ों पर खर्चा हो, अनावश्यक निर्माण पे जो खर्च होते हैं
तो उसकी अपेक्षा ये जरूरी चीज है इस पर हो तो ज्यादा अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा संदेश। मौत का जो सिलसिला है, क्योंकि देखिए किसी भी घर में मौत होना सबसे बड़ी त्रासदी होती है, और ऐसे में देखिए खबर जो एंकर स्टोरी है छत्तीसगढ़ वाच में अपनी अखबार में, जो इस खबर को अगर देखा जाए तो भूख के समय बहनों की मौत, केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश, ये कहीं ना कहीं दिल को दहला देने वाली खबर है कि आज भी हम भुखमरी पर विजय हासिल नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम एक विकसित देश हैं और देश की राजधानी जहां पर सारे लोग बैठते हों, यहां से अगर भूख से मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की फेलवर बना है, कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं आदमी की कम हो रही है, कहीं कहीं उसकी मनोभाव जो है, वित्तीय स्थिति जो है वो कहीं कहीं कमजोर है। इन सारे कारणों को सरकार को और प्रशासन में बैठे लोगों को समीक्षा करना चाहिए कि ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है सभ्य समाज में, जहां सरकार आज बहुत सारी योजनाएं दे रही है, बहुत सारे योजनाओं का लाभ गरीब और सामान्य लोगों को मिलने लगा है, तब ये स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई। We'll be right back.